बोल रहे हो। दोस्तों ये सरयू नदी के लाइव की आरती है। हम लोग सरयू नदी के किनारे हैं जहाँ भगवान राम का बचपन बीता और जहाँ लास्ट में भगवान राम जिस नदी में समाहित हुए थे। आप देखेंगे ये जो भी हमें मौका मिला वो आपके आशीर्वाद से मिला है। हमारे कृपालु महाराज के कारण हम बहुत अच्छा यह कर पाए। ये देखिए बोट जा रही है, ये हमारे एसपी सिंह जी। जैसे गंगा आरती होती है उसी प्रकार से आरती होती है। ये देखें अब आप देखें इधर, ये देखें इधर हरिद्वार में कितने, जैसे हरिद्वार में घाट है वैसे घाट है। देखें आप ये देखें, ये संता प्रणाम, जय श्री राम संता। राजस्थान के सीकर हर्ष, हर्ष क्यों, अरे हम सीकर के हैं। यहाँ के बारे में बताओ फिर आप। ये पूछना है आपको, यहाँ नहीं लाइव चल रहा है और खूब लोग हमारे बड़े जो भाई हैं शशि कामदार भारती के साथ, ये हमारे लो पकड़ो आप वहाँ जाइए। दे दीजिए प्रभु जी, महाराज जी माला दे दीजिए सरकार। ये दोस्तों सरयू की आरती है। मैं आपको महाराज के दर्शन करता हूँ जो आरती में करवा रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है, देखो आप बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है। जैसे गंगा आरती है उसी बिल्कुल सरयू की आरती जो है ये बिल्कुल। एक बार महाराज कुछ एक लाइन कोई यहाँ की आरती के बारे में। दर्शन मात्र से हिंदी में समझाओ इसको। कृष्ण जी हम निकले अभी कोटि कल्प एक कल्प में 7000 वर्ष होते हैं और 7000 वर्ष कोटि कल्प सर जो गिनती नहीं है पंडित जी। वर्ष अगर हमारे यहाँ काशी में रक्षा फल नहीं होगा और मथुरा कल्प 7000 चारों वर्ष अगर मथुरा में दोष साफ करते हैं वो फल नहीं होगा। दर्शन एक निमिष दर्शन मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। दर्शन समझ लो कि नहा लोगे तो का कहो कि बकरू मराला कौआ भी हंस कर जाता है। क्या बात, आप सभी का आपकी बात की बहुत बहुत शुभकामना। ये देखो बिल्कुल हमारे महाराज हमारे साथ खड़े हैं। ये देखो बिल्कुल हम लोग यहाँ सरयू किनारे हैं, ये सब लोग सरयू किनारे हम खड़े हैं। एक बार आपको फिर दिखाते हैं यहाँ की पूरी आरती। ये देखो हमारे सुभाष जी और हमारे पंडवारी और सब लोग भी बिल्कुल। तो दोस्तों बड़ा आनंद आ रहा है, आज सुबह से ही अयोध्या में है, राम जन्मभूमि पे है। बड़ा आज आनंद आया, आज बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। तिलक कर रहे हैं हमारे गुरु जी हमारा। ये देखो ये बिल्कुल एक जोरदार विजन देखोगे ना, जोरदार दृश्य एक देखा। तो इसी के साथ हम इस लाइव को पूरा करते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ देर बाद फिर बात करते हैं आप।